है उसका विशेष होता। नमस्कार सभी मीडिया बंधुओं का मैं बड़ा धन्यवादी हूं कि बड़े कम समय के अंतराल में आप सभी यहां पे इकट्ठे हुए हैं। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट के लिए मैंने आप सभी को यहां पे तकलीफ दी है आने के लिए। ऐसा था कि साल 2019 में मैंने खुद एक सिविल सूट फाइल किया था ऑनरेबल सिविल कोर्ट ऑफ कठुआ में, जो कि ट्रांसफर हुआ था ऑनरेबल सब जज साहब कठुआ के पास, जो केस था म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ के खिलाफ, स्टेट ऑफ J&K तब थी उसके खिलाफ, और जो था डिप्टी कमिश्नर कठुआ के खिलाफ। ये केस मैंने इसलिए किया था कि मैंने खुद देखा यहाँ पे, मैं खुद एक नागरिक हूँ कठुआ का, कठुआ टाउन का, वार्ड नंबर 1 का बशिंदा हूँ, और कठुआ टाउन जो कि 21 वार्ड में उस वेला सारी कंप्राइज है, इसमें 21 हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, काउंसलर्स हैं, जिनको जिनके ऊपर एक ड्यूटी आयद की गई है बिकॉज दे आर इलेक्टेड काउंसलर्स। उसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंट भी बनाया, उसके बाद म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ चलाया भी इन्होंने। म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ में चलाते हुए दुर्भाग्यवश अगर मैं कहूँ इतनी लच्चर तरीके से चलाया इन्होंने यहाँ पे, जिसके लिए अदरवाइज कठुआ एक ब्यूटीफुल टाउन माना जाता था, लेकिन यहाँ पर मैंने खुद नोटिस किया कि गार्बेज के लिए कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप खुद देखें आज भी पोजीशन वही है कि जहाँ जहाँ पर डस्टबिन लगे हुए हैं वहीं वहीं पर डस्टबिन के अंदर गंद कम पड़ा हुआ है, बाहर गंद ज़्यादा पड़ा हुआ है, और उस गार्बेज की मैनेजमेंट के लिए इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। जब से ये म्यूनसिपल काउंसिल बना उससे पहले से हम ये सुनते आ रहे हैं, और बनने के बाद हमने और ज़्यादा सुना। यहाँ के मौजूदा MP साहब ने भी यही कहा था कि हम यहाँ पर सिस्टम लाएंगे, सीवरेज मैनेजमेंट का एक ट्रीटमेंट का प्लांट लगाएंगे और वगैरह वगैरह बड़े बड़े वादे भी किए, लेकिन आज तक उसका फ्रेमवर्क हमें कुछ मौके के ऊपर नहीं मिला। 2019 में जब मैंने देखा कि म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ अपने इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी करने में पूरी तरह फेल हो गई है, और जो अपोजिशन पार्टी जिसको इसकी मुखालफत करनी चाहिए थी, रेज करनी चाहिए थी वॉइस और लोगों की वॉइस बनके वहां पे बैठना चाहिए था म्यूनसिपल काउंसिल में, उन्होंने भी इकट्ठे मिलकर सरकार बना ली और अपना नुमाइंदा चुन के यहाँ पे प्रधान बना लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अपोजिशन रही नहीं। विद इन अपोजिशन हो अगर पार्टी में किसी की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन म्यूनसिपल काउंसिल में अगर काम करवाना है सशक्त लोकतंत्र में अपोजिशन जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन जहां अपोजिशन ही कोई नहीं होगी तो लोगों की समस्या का निर्वहन कैसे होगा। ये बात समझते हुए मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अज्यूम की, और मैंने खुद अपने एसोसिएट राहुल सिंह एडवोकेट के साथ मिलकर एक यहाँ पे सिविल सूट फाइल किया। सिविल सूट में मैंने वेरियस डिमांड्स रखी जिसमें सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने की, स्ट्रे एनिमल्स जो आवारा पशु कठुआ के नूक एंड कॉर्नर्स में किसी गली में चले जाओ वहां पे भी आपको मिलेंगे, आपको स्कूटर निकालने के लिए मोटरसाइकिल निकालने के लिए मुश्किल हो जाएगी, पैदल चलने वाली औरतें बच्चे वो डरती हैं कि कैसे पार करेंगे, इतना बड़ा सांड आगे खड़ा हुआ है। ऐसे ही सड़कों के ऊपर, पुल के ऊपर, चौक में, चौराहों में, DC ऑफिस के गेट के बिल्कुल बाहर अगर आप जाके शाम को 7-8 बजे के बाद देखें तो आपको वहां लगेगा कि काउ एंड काफ काउंसिल चल रही है, वहां पे कोई मीटिंग चल रही है गायों की। तो ऐसी सिचुएशन में जबकि म्यूनसिपैलिटी का ये दायरा अख्तियार के अंदर आता है कि उनको स्टे एनिमल्स को उठाकर उनको प्रॉपर अरेंजमेंट करके प्रॉपर एक अहाते में रखे, उनका अरेंजमेंट करे, उनका डिस्पोजल जो भी करना है जैसे भी करना है ये उनका काम है, ये अपना काम नहीं कर रहे हैं ये सारी। और आए दिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे दुर्घटना होती है, मेरे पास कई केसेस ऐसे चल रहे हैं, कोर्ट में चल रहे हैं, कई FIRs लगी हैं, कईयों की डेथ भी हुई है हमारे कठुआ के नागरिकों की, और कंपनसेशन भी नहीं कोई मिल रही उनको, और उनके जो किथन किन्स हैं उनको दर भटकना पड़ता है किसके कारण। अल्टीमेटली ये सारा कुछ हो किसके कारण रहा है, सिर्फ एक नलायकी के कारण, एक पुअर सिस्टम के कारण, एक लैशेस के कारण, जिस सिस्टम को रेज करने, इसके खिलाफ वॉइस रेज करने के लिए अपोजिशन भी सशक्त नहीं रही। तो हमने दावा किया, ऑनरेबल कोर्ट ने दावा को सुना, दूसरी पार्टी यानी कि म्यूनसिपल काउंसिल एंड डिप्टी कमिश्नर कठुआ की तरफ से भी वकील हुए पेश, उन्होंने जवाब दिया और अपोज किया इसको। अपोज करने के बावजूद जब इसकी आर्गूमेंट्स हुए, आर्गूमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने तारीख 16 दिसंबर को एक ऑर्डर जारी किया, इंटरिम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने इंटरिम एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए कुछ डायरेक्शंस इशू की हैं, और डायरेक्शन इशू की हैं म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ एंड डिप्टी कमिश्नर कठुआ को डायरेक्शंस इशू की हैं। ये टोटल इनकी हैं 7 डायरेक्शन दी हैं उन्होंने टोटल ऑनरेबल सब जज कठुआ ने, तो जिसकी कॉपी एक हमने फ्राइम कर दी है, म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ को भी कर दी है, डिप्टी कमिश्नर कठुआ को भी करवा दी है, कोर्ट की तरफ से गई है। तो आपके माध्यम से मैं एक आम नागरिक को भी, कठुआ के एक आम सिटीजन नागरिक को भी मैं आगाह और अवेयर करना चाहता हूं कि उनके राइट्स
की सराहना के लिए, उनकी संक्षण के लिए हमने ये केस फाइल किया था। ये केस कीर्ति भूषण ने पर्सनल कैपेसिटी में नहीं किया, आप सभी नागरिकों की तरफ से, उनकी जानव से ये मैंने केस फाइल किया हुआ है, जिसमें डायरेक्शन सबसे पहले तो ये हुई कि मेक अरेंजमेंट फॉर डिस्पोजल एंड वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग डस्टबिन एंड मेकिंग अदर अल्टरनेटिव अरेंजमेंट एज रिक्वायर्ड फॉर द सर्कमस्टांसेस, ताकि हर जितने भी डस्टबिन कठुआ में लगे, मुझे नहीं पता ये बताएंगे आगे कितने उन्होंने लगाए हैं, वो कम है। क्योंकि अगर आप बाजार में जाएंगे, अगर आप सड़कों पे निकलेंगे, अगर आप चौराहों में जाएंगे, अगर गलियों में जाएंगे, तो आपको गंद पड़ा हुआ दिखेगा, डस्टबिन नहीं दिखेंगे। अगर कहीं डस्टबिन होंगे तो डस्टबिन नॉन वर्किंग कंडीशन में होंगे, अगर वो वर्किंग कंडीशन में भी हैं तो उनकी सफाई नहीं हो रही, उनकी वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है प्रॉपर। अगर कोर्ट ने कहा है कि उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करो, वहां पर जाओ देखो कितने डस्टबिन कम है, उतने डस्टबिन और लगाओ, ये मत कहो कि हमारे पास पैसे नहीं है। सेकंड, उन्होंने कहा कि स्ट्रे एनिमल्स, जो आवारा पशु आपके यहाँ पे घूम रहे हैं सड़कों के ऊपर, जो आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं, उनका अरेंजमेंट करो, उनको उठाओ वहां से और प्रॉपर लीगली तरीके से उनको कैसे कहाँ पे बिठाया जाए, उठाया जाए, रखा जाए, ये म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ और ऑनरेबल वर्दी डिप्टी कमिश्नर कठुआ ही देखेंगे। लेकिन किसी सिटीजन को हानि या क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, उसकी जिम्मेवारी भी इनको आयत की गई है। थर्ड, अरेंजमेंट करना है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे वृक्ष लगे, प्लांट्स लगे, वृक्षारोपण हो और कम से कम यहाँ पे कटाई हो। अगर आप देखेंगे बड़ी ग्रीन सड़क बनी थी हमारी कठुआ तांगड़ी पैलेस से लेकर, अगर कठुआ जेल तक अगर आना हो, हमने यहाँ पे नगरी अड्डा तक आना हो, तो एक रोड बनी जिसमें ग्रीनरी की ग्रीनरी एक एक सेगमेंट बनाया गया, एक पायलट प्रोजेक्ट में बताया गया कि कठुआ की सड़कें ऐसी भी हो सकती हैं। उसको ही देखकर उसकी तर्ज पे कॉलेज रोड कठुआ काली बड़ी से लेकर यू टर्न लेते हुए सीधा हटली मोड़ तक जो रोड बनाई गई, उसके सेंटर में डिवाइडर में वृक्षारोपण किए गए ताकि हरियाली हो। लेकिन आए दिन हम देखते हैं यहाँ पे, वहाँ पे कंडीशन जो पेड़ों की है, प्लांट्स की है, वो बदतर हो गई है, उसको मैनेज प्रॉपर नहीं किया जा रहा। और शहर में जहाँ पे पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर ग्रीनरी की कितनी ज़रूरत है सभी को पता है, यहाँ पे पार्क्स की कितनी ज़रूरत है, पार्क की मैनेजमेंट की कितनी ज़रूरत है सबको पता है, लेकिन म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ को शायद नहीं पता। तो कोर्ट ने उनको याद कराया कि कठुआ में डिफॉरेस्टेशन जो हो रही है उसको डिस्करेज करें, अफॉरेस्टेशन को एनकरेज करें और मैक्सिमम प्लांट्स यहाँ पे लगाए जाएं। और हर चौक चौराहे पर अगर ये ग्रीन बना दें, वहाँ पर पेड़ पौधे लगा दें, तो कितना अच्छा होगा, बजाय इसके किसी कोई यहाँ पे मूर्तियां खड़ी कर दें, उससे अच्छा है कि वहाँ पे एक चौराहा बना के ग्रीनरी पैदा कर दें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मेक अरेंजमेंट टू मेक प्रॉपर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर विच ऑफन मिक्सेस अप विद गटर वाटर। एक ये बड़ी समस्या है हमारी, जितनी पानी की पाइपें यहाँ से गुजर रही हैं, वो नालियों और गटर के अंदर से गुजरते हुए लोगों के घर तक पहुँचती हैं, जो आए दिन कारण बनती हैं बीमारियों का। डायरिया लोगों को हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ डायरिया नहीं, डायरिया के अलावा और भी बड़ी बीमारियाँ हो रही हैं। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में, तो कठुआ के टाउन में भी कैंसर जैसे जो जानलेवा बीमारियाँ हैं उनका भी बहुत ज़्यादा चलन देखा गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। वो सभी का कारण मैं समझता हूँ, या किसी को लीवर की डिजीज हो रही है, जॉन्डिस हो रहा है, तो सारा कारण जो है पानी है। गंदा पानी अगर किसी घर में अगर आप भेजोगे, तो गंदे पानी से बीमारियां होनी ही होनी है, इसके पे कोई दो राय नहीं है। तो म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ को चाहिए कि कोई ऐसी पाइप जो गटर के अंदर से निकल रही है उसको उखाड़ के, उसको सेपरेट करके, गटर से ना निकले ये इंश्योर करना, ये ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दी है और इस डायरेक्शन के तहत अब उनको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मेक अरेंजमेंट टू क्लीन ऑल द ब्लॉक्ड ड्रेन्स बिफोर स्टार्टिंग ऑफ रेनी सीजन विच आर फुल ऑफ गार्बेज। हम देखते हैं जब भी रेनी सीजन आने वाला होता है, मई जून के महीने में पूरी पूरी नालियां ब्लॉक हुई पड़ी होती हैं। जब बारिश, थोड़ी सी बारिश होती है, तो कठुआ शहर तालाब में तब्दील हो जाता है। फिर आप लोगों की अपनी रिपोर्टिंग अगर देखें निकाल के मई जून जुलाई के महीने में, तो आपको दिख जाएंगी हर साल, आपने कई 10-10, 20-20 रिपोर्टिंग हर एक साल में आपने की होगी, एक एक पत्रकार ने की होगी अपने अपने चैनल पे, अपने अखबारों में, जिसमें आपने बताया होगा कठुआ शहर कैसे एक तालाब का शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो इसके पीछे कारण क्या आया? कारण फिर वही आया, लच्चर व्यवस्था। जो कानून व्यवस्था कानून ने बनानी है, वैसे ही सैनिटाइजेशन की व्यवस्था म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ ने बनानी है, जो नहीं बना रही, इसलिए हमें केस करना पड़ा। ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि रेनी सीजन से पहले तो इंश्योर करो, वैसे तो 12 महीने इंश्योर करो कि नालियां प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हो, ड्रेन्स प्रॉपर रनिंग कंडीशन में रहें। लेकिन अगर रेनी सीजन आने वाला है, तो उसके लिए डबल अख्तियार अपना करिए वहां पे। मेक अरेंजमेंट
टू डिस्करेज एंड स्टॉप अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन फॉर अनऑथराइज एनक्रोचमेंट ऑल्सो। अगर आप देखें कठुआ टाउन में, शहर के अंदर आप देखें कॉलेज रोड पूरी, अगर जो सबसे व्यस्त रोड है जहाँ पर बसें भी चलती हैं, मेट्रोडोर भी चलती हैं, ऑटोज भी चलते हैं, लोगों के प्राइवेट गाड़ियाँ भी चलती हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल भी चलते हैं, और सभी तमाम बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे हैं, कठुआ के शहर के हिसाब से जो मॉल बने हुए हैं वो यहाँ पे हैं, इंपॉर्टेंट शॉप्स यहाँ पे हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिसेज इसी रोड पे हैं, तो आए दिन हम देखते हैं पार्किंग की समस्या। पार्किंग की समस्या को मीट आउट करने के लिए एक प्रोजेक्ट इन्होंने कहा कि हम बनाएंगे मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाएंगे, लेकिन वो पार्किंग अगर बना रहे हैं ये मुखर्जी चौक के ऊपर तो डीसी ऑफिस के पास भी एक बननी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पार्किंग की समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि लोगों ने अपने अपने दुकानों के आगे एनक्रोचमेंट की है। हमारी कोर्ट रोड ही अगर देख लीजिए, जब हम कोर्ट में सुबह आते हैं, और अभी तो किसी कारणवश कोरोना के कारण स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, अगर स्कूल कॉलेजेस भी चलते हैं तो उसमें बच्चों का यहाँ पे बहुत रश होता है, टीचर्स का रश होता है, क्लर्क का रश होगा, यहाँ पे मुलाजमों का रश होता है, और ऊपर से हमारे कोर्ट में जो आ रहे हैं मुलाजम आ रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनका रश होता है, तो ये सारा रश इतना इकट्ठा मिल जाता है कि कठुआ की ये कोर्ट रोड है बहुत छोटी पड़ जाती है, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं यहाँ पे। तो इस सभी का कारण क्या है, यहाँ पे जो एनक्रोचमेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन या इलीगल एनक्रोचमेंट है उसको भी दूर करना जो वो सिर्फ म्यूनसिपैलिटी का काम है, लेकिन म्यूनसिपैलिटी वो भी मैं देखता हूँ साल में एक या दो दिन ही वो काम करते हैं, उसके बाद अखबारी खबर बनाते हैं, बता देते हैं आज हमने बड़ा काम किया, उसके बाद वो बिल्कुल पूरा साल नहीं दिखते हैं। और लास्ट में उन्होंने कहा कि मेक अरेंजमेंट टू प्रोवाइड बेयर मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन विच इंक्लूड द पार्किंग स्पेसेस आल्सो। हमारे यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स भी कम है, अगर यहाँ पर अगर पूरा सर्वे किया जाए पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर कठुआ टाउन की पॉपुलेशन जितनी है उस हिसाब से देखा जाए पब्लिक टॉयलेट्स बहुत कम है, और जितने पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनकी मैनेजमेंट भी ठीक नहीं है, तो इसके लिए भी इंश्योर करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दी है। उसके बाद लास्ट डायरेक्शन जो ओवरऑल डायरेक्शन दिया ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो उन्होंने कहा है कि ये इंश्योर करो कि ये सारी कंप्लाई हो, और हर दो महीने के बाद यहाँ पर एक रिपोर्ट सबमिट करो कि हमने ये पिछले दो महीने में ये काम किए हैं, और हमसे कोई गलती या इग्नोरेंस नहीं हुई है, हमने कोई भी चीज़ अवॉइड नहीं की है। हर दो महीने में म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ को, ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर कठुआ को यहाँ पर रिपोर्ट देनी है कि हमने आपकी डायरेक्शन को कंप्लाई किया है। आपके माध्यम से मैं बता दूं कि ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन जो है ये अगर इसकी अवहेलना होती है, अगर इसकी वायलेशन होती है, तो दैट वुड बी टेकन एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, ये कोर्ट की अपमान करने के बराबर माना जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं हर एक आम सिटीजन को, कठुआ के नागरिक को ये बताना चाहता हूँ कि उनके पास ये हक है, कानून है उनके हाथ में, कि वो या तो कोर्ट में डायरेक्ट आके रिपोर्ट करें कि आपकी कोर्ट के ऑर्डर को ये नहीं मान रहे हैं, या मुझे आके बताएं बतौर प्लेंटिफ, मैं कोर्ट में उनकी तरफ से फ्री सर्विस देते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानते हुए मैं ये एप्लीकेशन फाइल करूंगा और कंटेम्प्ट इनके खिलाफ रेज की जाएगी, और इंश्योर करूंगा कि इनको सजा अगर बनती है इनको सजा भी मिले, इनको जुर्माना बनता है इनके खिलाफ तो जुर्माना भी मिले, लेकिन हर हालत में अब हमें इकट्ठे मिलकर कोऑपरेशन के साथ कठुआ टाउन को ब्यूटीफुल टाउन बनाना है। धन्यवाद सर। जो काम पार्षदों ने करना चाहिए था वो उन्होंने काम नहीं किया, तो आप एक सिटीजन होने के नाते इस तरीके के मुद्दे आप उठा रहे हैं, तो आपको क्या लगता नहीं है कि जिन पार्षदों को जनता ने चुन के भेजा हुआ है उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है, उनकी आवाज नहीं उठाई जा रही? देखिए ये बड़ा पॉलिटिकल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं अपने दायरे में रहते हुए इस चीज का यही जवाब देता हूँ कि जब मुझे लगा कि सारा सिस्टम फेलियर की तरफ जा रहा है, कठुआ टाउन जिससे मुझे बड़ा ज्यादा लगाव है, मैं पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ का रहने वाला हूँ, कठुआ टाउन की अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो सबसे पुरानी तीन फैमिलीज में से एक फैमिली मेरी है, इसलिए मैं समझता हूँ कठुआ टाउन को जितनी बारीकी से जितने करीबी तरह से मैं मानता हूँ उतना शायद ये पार्षद लोग जो चुन के गए हैं वो नहीं मानते हैं, वो सिर्फ एक सीट को ऑक्यूपाई करने के लिए वहाँ पहुंचे हुए हैं, या पावर को रिज्यूम करने के लिए, या पावर को अपने हाथ में काबू में लाने के लिए वहां पे गए हुए हैं, लोगों को सेवा करने के लिए वहां पे नहीं गए हैं। लोगों के साथ धोखा हुआ या नहीं धोखा हुआ ये लोग खुद तय करेंगे, मेरा उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ बतौरे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कठुआ का नागरिक होने के नाते मैंने ये केस फाइल किया, और आज मुझे खुशी है कि जैसा मैंने डिजायर किया था वैसा ही मुझे हाल ही में। आप मुद्दे ये उठा रहे हैं तो आपके ये जो मुद्दों से ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं बू ये आ रही है कि कहीं ये इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं आ रही? नहीं, अगर ये राजनीतिक होता
क्योंकि ये जो ऑब्जेक्शन आपने रेज किया आज, ये रेज म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ ने भी किया था कि एक पॉलिटिकल वेंडिक्टा में ये केस फाइल किया गया है, इससे कोई पॉलिटिकल माइलेज लिए जाने हैं कीर्ति भूषण ने, तो कोर्ट ने भी इसको नकारा है। अल्टीमेटली उन्हीं की अपनी बातों से ये बात साफ आ गई कि वो भी ये चाहते हैं, उन्होंने खुद लिखा है म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ के एडवोकेट के तरफ से जो जवाब आया उसमें लिखा कि म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ भी चाहती है कठुआ का बेहतरी हो, तो अगर वो भी बेहतरी चाहते हैं मैं भी बेहतरी चाहता हूं, तो पॉलिटिकल कहां रह गया मसला। तो अगर ये पॉलिटिकल मसला होता तो कीर्ति भूषण पर्सनल कैपेसिटी में केस करता, मैंने पर्सनल कैपेसिटी में केस ना करते हुए कठुआ के सिटीजन के बिहाफ पर ये केस किया। सर क्या देखते हैं, हाल ही में हमने देखा कठुआ म्यूनिसिपल काउंसिल की काफी लापरवाही सामने आई, जिसमें कूड़े का प्रबंध ना होना और लाखों का जुर्माना जो है वो उन्हें पड़ा है, उसके साथ ही वो सड़कें बनाई गई जिनका कोई तुक नहीं था, लोग आज भी परेशान है। क्या देखते हैं, क्यों कठुआ के आम जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद करने की प्रयास किए जा रहे हैं? यही बात मैंने सबसे पहले जो ओपनिंग लाइन में बोली थी कि कठुआ म्यूनिसिपल काउंसिल का जो अख्तियार है वो बहुत ज़्यादा है, जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके कंधों पर लादी गई हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, और जो उन्होंने आश्वासन और यहाँ पर हमें सपने दिखाए थे कि हम यहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह का ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे लगाएंगे और इतने करोड़ों की लागत में लगाएंगे और फलानी जगह लगाएंगे, ऐसा उन्होंने कोई काम नहीं किया, उसका कोई ब्लूप्रिंट भी तैयार होकर बाहर नहीं आया है। तो इसके अलावा अगर आप सड़कों की छोड़कर गलियों के अंदर चले जाएं, अगर अंदरून शहर के अंदर चले जाएं, किसी भी वार्ड को लेके देख लो, कोई एक वार्ड, अगर मैंने राजनीति करनी हो तो मैं एक वार्ड के खिलाफ करूं, दो वार्ड के खिलाफ करूं, मैं पूरी म्यूनिसिपैलिटी की बात कर रहा हूं कि किसी भी वार्ड को ले जाओ, किसी भी वार्ड की गलियों को अगर देखो, गलियां चौकड नहीं मिलेंगी तो मुझे यहां पर आकर बता देना आप। आज की डेट पे बाजार, कठुआ बाजार जो सबसे व्यस्त बाजार है, उस बाजार में भी नालियों को उखाड़ के रखा हुआ है कि सफाई करना है उसकी, लेकिन सफाई आज तक उसकी नहीं हुई है, ना उसको भरा हुआ है वापस। तो आपके आपका जो सवाल है, ये इनकी लापरवाही सिर्फ कीर्ति भूषण ने नहीं देखी, इनकी लापरवाही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी देखी, इनकी लापरवाही ऑनरेबल कोर्ट ने भी देखी, इनकी लापरवाही आने वाले वक्त में जो लोग देख रहे हैं वो कोर्ट में भी रिपोर्ट करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करेंगे, आने वाले वक्त में म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ को पता चल जाएगा कि म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ ने कहां कहां पे गलतियां की हैं, कहां कहां पे उनसे कमियां रहेंगी। तो आपका सीधे कहने का मतलब ये है कि आए दिन जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बड़े बड़े दावे करते हैं कि कठुआ में डेवलपमेंट हो रही है, तो आपकी तरफ से जानिब से ये मालूम पड़ता है कि वो सभी दावे खोखले हैं? आप मेरी बात छोड़ दीजिए, आप एक आम शहरी को जाके इंटरव्यू करिए, आप खुद अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए, आपको खुद जाके पता चल जाएगा, यू टेक स्टॉक ऑफ द कंडीशन ऑन स्पॉट। आप जाके अभी मेरे से यहाँ से उठकर सीधा आप जाइए डस्टबिन की, जितनी डस्टबिन है यहाँ पे अभी कंडीशन देखिए उनकी क्या कंडीशन है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठ के दावे से कह सकता हूँ कि डस्टबिन की हालत बहुत बुरी है, और अगर आप बाहर जाके देखेंगे जहाँ जहाँ पब्लिक प्लेस में डस्टबिन लगे हैं वहाँ वहाँ पे गायें भी मिलेंगी आपको, आपको बछड़े भी मिलेंगे, आपको सांड वगैरह भी मिलेंगे वहाँ पर, आपको कुत्ते भी मिलेंगे जो वहाँ पर गंद को बिखेर रहे होंगे, गंद को उठाना कलेक्ट करके कहीं प्रॉपर डेस्टिनेट प्लेस तक पहुँचाना जो कर्तव्य है म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ का, जिसके लिए उन्होंने गाड़ियाँ भी रखी हैं, जिसके लिए स्वच्छ भारत मिशन में इनको लाखों करोड़ों रुपये साल साल भर के आते हैं, वो करोड़ों रुपये के कहाँ कहाँ जाते हैं, उसके लिए मैं एक अलायदा एक पिटीशन फाइल करने वाला हूँ कि वहाँ भी मैं हिसाब मांगूंगा कि इनके पास पैसे आते कहाँ पर है, टोटल खर्चा कितना होता है, वापस कितने होते हैं, बचते कितने हैं या कम कितने रह जाते हैं, और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट क्या हो रही है, वो अलायदा मैं एक पिटीशन फाइल करूंगा यहाँ पर। लेकिन आपके माध्यम से आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सर मुझे कीर्ति भूषण को नहीं लग रहा, कीर्ति भूषण को ही लगता होता अगर तो ये ऑर्डर नहीं आता यहाँ। ये पूरे शहरवासी जानते हैं कि ये कठुआ में लच्चर व्यवस्था जो चल रही है उसको कहीं ना कहीं लगाम पहनाना बहुत जरूरी थी, अगर वो फेल हो गए तो कोर्ट तो है ना यहाँ। सर ये जो डायरेक्शंस हैं जिसमें कठुआ के लिए जो कमेटीज जो के मैंने कोर्ट कमेटीज हैं, मैंने कठुआ के नागरिक होने के नाते सर कठुआ कोर्ट कठुआ म्यूनिसिपल काउंसिल के खिलाफ ही एक का शुक्रिया और आई थैंक यू मिस्टर कीर्ति भूषण और टेकिंग सच हिस्टोरिकल स्टेप, और मैं ऑनरेबल कोर्ट का धन्यवाद हूँ कि ये जो ग्रीवेंसी लेकर कीर्ति भूषण जी पब्लिक ग्रीवेंसी लेकर गए, कोर्ट ने टुक इट वेरी सीरियसली, एमसी कठुआ ने डिफेंड किया, कोर्ट ने रिजेक्ट किया, और जितने भी डायरेक्शंस इन 7-6 नंबर्स आई हैं ये सारी पब्लिक रिलेटेड है, पब्लिक इंटरेस्ट में। मैं आपके माध्यम से
रेपिटेशन कोई नहीं करूंगा, इतना कहना चाहूंगा कि तकरीबन 6 म्यूनसिपैलिटीज म्यूनसिपल कमेटी और एक कौंसिल कठुआ जिला में है। हम सब लोगों को आई कॉल अपॉन द पीपल ऑफ दो म्यूनसिपैलिटीज, आप आइए, देखो रिट पिटीशन का मामला नहीं है कि जम्मू में जाना पड़ेगा, आप इस सेक्शन 92 सीपीसी का सहारा लेकर कोई दो या दो से ज्यादा आदमी किसी भी कोर्ट में जाकर, सिविल कोर्ट में जाकर ऐसा केस कर सकते हैं और लोगों को सामने आना चाहिए। जैसे मिस्टर कीर्ति भूषण जी ने आपको बताया कि वी हैव डिसाइडेड इट कि अगर हमारे पास कोई आए तो हम फ्री सर्विस देंगे इस मसले में। जहाँ तक स्ट्रे एनिमल की मैं एक ही बात करना चाहूँगा, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जा करें तकरीबन 8 साल पहले पालीबाड़ में एक सरार साहब, इसी वजह से उनकी जान चलेगी और मैंने एज एन एडवोकेट हमने FIR दर्ज की और अल्टीमेटली डीजन जो EO साहब थे उनको हाई कोर्ट में जाना पड़ा फॉर क्वेश्चनिंग पर्पज। और रिसेंटली अभी 2 साल पहले सिर्फ मेरे लखनपुर में ऐसी वारदात हुई, भाई हमारे बड़े भाई वो सरार साहब वो भी इसी हादसे का शिकार हुए, ऐसे हादसे का शिकार हुए। मैं चाहूँगा कि जितनी भी बातें जो क्लब की गई हैं, चाहे कठुआ म्यूनसिपल काउंसिल है, चाहे म्यूनसिपैलिटी से लखनपुर है, म्यूनसिपैलिटी लखनपुर है, हीरानगर है, बिलावर है, बसोली है, नगरी है, इन सबको इन गाइडलाइन को सुबह मोटे ही इनका इन पर एक्शन करना चाहिए और इस लिटिगेशन को ड्रान करें। या कठुआ म्यूनसिपल काउंसिल ये कहे कि ये डायरेक्शन हमें हैं, नहीं, ये डायरेक्शन जो है डिस्ट्रिक्ट की तमाम म्यूनसिपैलिटी अपने आप पर डायरेक्शन लागू समझे, इसमें लोगों का भला है। थैंक यू वेरी मच।